अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक बार फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, गोभी काट रही हूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस लंच में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी किया करें। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस। वैसे तो मैंने चाइनीज़ राइस बनाए थे, बट मैं चिकन आजकल बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही खानों में, तो इसलिए मैं जो है वो एग फ्राइड राइस बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने जो है वो बाकी सब सब्ज़ियाँ काट ली हैं, बस यहाँ पर गोभी मेरी रह गई थी, तो इसको मैंने जो है वो अभी कट कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा टाइम इसको पकने में, इसकी कुकिंग में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, सबसे ज़्यादा टाइम इसकी सब्ज़ियों की कटिंग में ही लग जाता है, क्योंकि उनको बारीक बारीक काटो सब चीज़ों को। और ये पक तो जल्दी से जाते हैं, फटाफट से पक जाते हैं, इतना टाइम इसमें नहीं लगता। तो बस अभी चलते हैं किचन में और इसको रखते हैं पकने के लिए। तो मैंने यहाँ सबसे पहले लहसुन फ्राई किया था 2 से 3 जवे, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि कॉल आ गई थी तो वो अटेंड करनी पड़ी। तो उसको लहसुन की जगह को फ्राई करने के बाद उसके अंदर मैंने गाजर और शिमला मिर्च जो काट के रखी थी बिल्कुल बारीक बारीक सी मैंने काट ली थी स्लाइसेस में, और ये एक पीस बड़ा रह गया। तो खैर ये तो भी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी जैसे ही इसके अंदर, फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी गोभी और स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज जो है वो तो हम सबसे एंड में डालेंगे। तो इसको अभी हम फ्राई करते हैं थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके, ताकि ये जल्दी से हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। गाजर और शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई, अब इसमें मैं डाल रही हूँ बंद गोभी। बंद गोभी थोड़ी क्वांटिटी में मुझे ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी रोक लूँगी। इसका मैं बना लूँगी कोलेस्लो सैलेड क्रीम और मायोनीज वगैरह डाल के, ठीक है। इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले, नमक डालते हैं, सब्ज़ी के हिसाब से हम अलग डालेंगे और जितना हमें सब्ज़ी में चाहिए, और हम जब चावल बॉयल करेंगे तो उसमें हम अलग डालेंगे। किसी भी काली मिर्चें बहुत इजी से हैं, सब लोग बनाते ही होंगे घर में। थोड़ी सी मैंने इसमें स्पाइस करने के लिए मैंने इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च। इसको अच्छा सा करते हैं मिक्स। कितने अच्छे हमारे सब्ज़ी के कलर आ रहे हैं। आप चाहें तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं, बट मुझे मटर नहीं मिले थे इसलिए मैंने नहीं डाले। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी सोया सॉस। सोया सॉस डालूँगी बस, और ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अंडे जो है वो हम उसको अलग से फ्राई करेंगे। मसाला मेरा पूरा सब्ज़ी का तैयार हो गया था। यहाँ मैंने चावल बॉईल करके रख लिए, और यहाँ मैंने अब अंडे का मसाला बनाया है। नमक, काली मिर्चें, थोड़ा सा मैंने हरी प्याज इसमें शामिल की है और अंडे डाल दिए। इसको अच्छा सा अब हम फेंट लेते हैं, और तवा मेरा गर्म हो गया है, इस पर मैं अंडे बना लूँगी। अंडे को मैंने जो है वो तवे पे ही, जब ऐसे वो पकने लगा तो मैंने उसको इस तरीके से स्क्रैम्बल कर दिया है, और ये बिल्कुल हमारा अच्छा सा अंडा जो है वो पक रहा है। बस फिर अब हम चावलों की तह लगाएंगे, और तह लगा के हम अपने एग फ्राइड राइस को कंप्लीट करेंगे। चावल मैंने डाल के उसके ऊपर एक तह मैंने सब्ज़ी की लगा दी। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी अंडा जो कि हमने अभी अभी फ्रेश बनाया है। सारा मैंने नहीं डाला, थोड़ा सा हम ऊपर से जब डिश में निकालेंगे उस वक्त हम इसके ऊपर डाल देंगे। बाकी के राइस डाल देते हैं, और अभी हमारे पास थोड़ी सी सब्ज़ी और बाकी है, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। हल्का सा मैंने ऑयल जो है वो पतीली में नीचे लगा दिया था, ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छे से दम पे आ जाए, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी हल्का सा सोया सॉस, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा जब आप इसे ऊपर से डालेंगे ना। और थोड़ी सी किसी भी काली मिर्च हम स्प्रिंकल कर देंगे। बस इसको अब मैं दम पे रखने जा रही हूँ। चावल मैंने दम पे रख दिए, थोड़ी सी गोभी जो मैंने रोक ली थी इसका मैं बना लेती हूँ कोलेस्लो सैलेड। टोटल कोलेस्लो तो खैर आप इसको नहीं कह सकते, बस मैंने थोड़ी सी चीज़ें रखी थी, मैं कहा इसको ज़ाया करने से बेहतर है कि इसको यूज़ में ले आया जाए। नमक डाला, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें डाली मैंने। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मेयोनीज़, और थोड़ी सी दही मैंने इस प्याली में पहले डाल ली थी, थोड़ी सी दही 1 चम्मच इतनी। इसमें मैं डालूँगी मेयोनीज़, ठीक है। उसके साथ मैं डालूँगी इसके अंदर ऑल पर्पस की हमारी क्रीम,
इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और हमारा अच्छा सा एक सैलड चावलों के साथ जो है वो तैयार हो जाए। और ये बन गए हैं, तैयार हो गए हैं हमारे मज़ेदार से सिंपल तरीके से बनाए मैंने एग फ्राइड राइस। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस तरीके से सैलड भी बनाइएगा, उसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट।